Hi children, so again it's a time for EA vowels जो हैं उनका sound का एक बार revision करेंगे. So I request to all moms and dads, मैं daddy से भी request कर सकती हूँ कि मैं story जो है वो EA से relate story है, वो मैं बहुत slow आपको बोलूँगी. आप अगर if it is possible for you, so you can write it. I will ask the questions about for this related to this story. आप भी अपने बेबी से इसको स्टोरी के बाद में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. सो प्लीज़ लिसन. ड्रे उनका नाम है. ड्रे इज़ अ करेक्टर. ओके. ड्रे वॉज सिक. ड्रे जो था वो सिक था एंड वुड नॉट ईट. उसको उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाने का बिकॉज ही वॉज सिक. ओके. आई गॉट हिम a peach and he did not eat. I made him some wheat and he did not eat. I gave him a bit of tea to sip. Dre sipped the tea. Can I please have more tea? Dre ko achhi lagi and he asked, can I have more tea? Said Dre. I was glad, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई. मैं उसके लिए tea लेकर गया था क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था. That Dre liked the tea. I got him more tea with a bit of cream. I got him a plate of meat and cheese to eat. I was glad he liked tea, meat and cheese. I was glad Dre started to eat. यानी कि खाना स्टार्ट कर दिया था एंड ही वॉज नॉट रेडी टू ईट. इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादातर जो साउंड्स हैं वो ई और ए की है. सो इनके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं. हु वॉज सिक. आई विल आस्क यू हु वॉज सिक. मॉम एंड डैड भी आपके साथ आपको हेल्प करेंगे आफ्टर द स्टोरी. हु वॉज सिक. सो यू कैन आंसर ड्रे वॉज सिक. हु सिप्ड द टी. ड्रे सिप्ड द टी. किसने टी पी? ड्रे ने. हु वॉन्टेड मोर टी. ऑब्वियसली ड्रे उसको अच्छी लगी. Who liked tea? Dre liked tea. Who started to eat? Dre started to eat. So in this way, you can form a story. I am requesting to all moms. In this way, you can form the story. मतलब इस तरीके से ई ए के साउंड्स की और आप उसके बाद में बच्चे से आप पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पुट अप करके.